Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse for any loss from such transactions. Hello friends, welcome to ZebPay Academy. ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित अपनी इस वीडियो सीरीज में अब तक हमने ये जाना कि ये होती क्या है और ये किन किन सिद्धांतों पर काम करती है। पर क्या आप ये जानते हैं कि आज की डेट में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करने के एक से ज़्यादा सॉल्यूशन मौजूद हैं जो अलग अलग ज़रूरतों को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किए गए हैं। इन अलग अलग प्रकार की ब्लॉकचेन्स को समझने के लिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो, जिसका टॉपिक है टाइप्स ऑफ ब्लॉकचेन। मूल रूप से तो ब्लॉकचेन दो प्रकार के होते हैं, परमिशनलेस और परमिशन। जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, परमिशनलेस ब्लॉकचेन में कोई भी पार्टिसिपेंट आसानी से ज्वाइन कर सकता है और उसके लिए ये भी ज़रूरी नहीं है कि वो नोड बाकी किसी नोड से परिचित हो। इसके विपरीत परमिशन ब्लॉकचेन का हिस्सा बनने के लिए उस ग्रुप को चलाने वाली नोड्स की परमिशन की ज़रूरत होती है। वो एक क्लोज नेटवर्क होता है जहाँ हर नोड की एक पहचान होती है। इस मूल रूप में अंतर समझने के बाद आइए समझते हैं कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कितने प्रकार की होती है। ब्लॉकचेन्स चार प्रकार की होती हैं, जिनके नाम हैं पब्लिक ब्लॉकचेन, प्राइवेट ब्लॉकचेन, हाइब्रिड ब्लॉकचेन और कंसोर्टियम ब्लॉकचेन। आइए एक एक कर इनके बारे में डिटेल से बात करते हैं। पब्लिक ब्लॉकचेन में कोई भी कंप्यूटर जिसके पास अच्छा हार्डवेयर है और वो इंटरनेट से जुड़ा हुआ है, वो नेटवर्क का हिस्सा बन सकता है। हर नोड के पास ब्लॉकचेन नेटवर्क का पूरा और सेम डेटा होता है, जिसे वो वेरीफाई भी कर सकता है। पब्लिक ब्लॉकचेन्स पूरी तरह डिसेंट्रलाइज्ड होती हैं। इसी वजह से पब्लिक ब्लॉकचेन के काफ़ी एडवांटेजेस हैं, जैसे इस पर ट्रस्ट करना आसान है और ये सिक्योर भी है क्योंकि इसका आकार डेटा और नंबर ऑफ नोड के हिसाब से काफ़ी बड़ा होता है। पर इसकी डिसएडवांटेज ये है कि इसमें कंसेंसस प्रोटोकॉल बड़ी जटिलता से लागू किया जा सकता है। प्रूफ ऑफ वर्क जैसी प्रोटोकॉल काफ़ी एनर्जी कंज्यूम करती हैं और ट्रांजैक्शन ब्लॉक्स को प्रोसेस होने में काफ़ी समय भी लग जाता है। बिटकॉइन और इथेरियम जैसी दिग्गज और फेमस ब्लॉकचेन इसी श्रेणी में आती हैं। पब्लिक ब्लॉकचेन उन केसेस में कामयाब नहीं है जहां डेटा को प्राइवेट रखा जा सके, और डेटा प्राइवेसी बड़े बड़े और बहुत सारे बिजनेसेस की जरूरत होती है। इसी का सॉल्यूशन है प्राइवेट ब्लॉकचेन। नेटवर्क का कंट्रोल एक ऑर्गेनाइजेशन करती है और चुनिंदा और ट्रस्टेड नोड्स ही इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। डेटा प्राइवेसी के साथ साथ प्राइवेट ब्लॉकचेन ज़्यादा स्पीड के साथ ट्रांजैक्शंस को कंफर्म कर सकती हैं। लेकिन प्राइवेट ब्लॉकचेन का डिसएडवांटेज ये है कि लिमिटेड नोड्स होने की वजह से इसको मैनिपुलेट करना आसान है, और अगर एक भी नोड डाउन हो जाए तो पूरे नेटवर्क के डाउन होने का खतरा बना रहता है। हाइपरलेजर और कोडा सबसे ज़्यादा यूज़ की जाने वाली प्राइवेट ब्लॉकचेन्स हैं। ब्लॉकचेन का तीसरा प्रकार है हाइब्रिड ब्लॉकचेन। ये दोनों पब्लिक और प्राइवेट ब्लॉकचेन का समावेश है। इसमें दोनों ब्लॉकचेन्स के एडवांटेजेस को शामिल करके एक ऐसा नेटवर्क तैयार किया जाता है जिसमें ट्रांजैक्शन की कॉस्ट काफ़ी कम हो जाती है। फाइनेंशियल इंडस्ट्री में यूज़ होने वाली रिपल और स्टेलर ब्लॉकचेन हाइब्रिड ब्लॉकचेन के सबसे बड़े एग्जाम्पल हैं। ब्लॉकचेन का सबसे आखिरी प्रकार है कंसोर्टियम ब्लॉकचेन। इसे फेडरेटेड ब्लॉकचेन भी बोलते हैं। ये प्राइवेट ब्लॉकचेन जैसी ही होती है, लेकिन इसमें एक एक ऑर्गेनाइजेशन को ऐड करने की जगह ऑर्गेनाइजेशंस का एक पूरा समूह ऐड किया जाता है। इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी प्राइवेट ब्लॉकचेन जैसे ही होते हैं। कंसोर्टियम ब्लॉकचेन के सबसे बड़े एग्जांपल हैं टेंडरमिंट और मल्टीचेन। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम इन सभी ब्लॉकचेन्स की यूज केस को समझेंगे, तो इसी तरह जुड़े रहिए ZebPay Academy से। क्रिप्टो प्रोडक्ट्स एंड NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse for any loss from such transactions.